इधर लव जिहाद को लेकर बना धर्म स्वातंत्र विधेयक आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कानून की शक्ल लेगा, लेकिन इसका असर दिखने लगा है। जबलपुर में कलेक्टोरेट में उस वक्त हंगामा हो गया जब दो अलग अलग धर्मों के युवक युवती शादी करने के लिए पहुंचे। मुस्लिम धर्म का लड़का और हिंदू धर्म की लड़की शादी के लिए पहुंचे ही थे कि हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। मुझे ये धर्म पसंद है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। कौन से कास्ट का है? मुस्लिम है। कब? वो आपके घर में मालूम है ये सब? नहीं मालूम है। आप नाम क्या लिखते हो? शालिनी सोनी। कहाँ रहते हैं आप? तिलेरी में रहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी लगभग? मैं पूरी 18 की हो चुकी हूँ, 3 महीने बाद बर्थडे है मेरा। बस अभी 3 महीने बाद 18 की हो जाएंगी। 19 की। एक्चुअली में लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मैटर है, बहुत गंभीर मामला है। लड़की को उस मुस्लिम लड़के ने लगभग 3-4 साल से अपने ग्रिप में लिया हुआ था, फंसाया हुआ था, उसको डरा धमका के उसका ब्रेन वॉश किया हुआ था। कलेक्टर कोर्ट जो है मेरी अधिकारी, लेकिन माँ बाप तक पहुँचने ना पाए। लड़की ने गलत घर की जानकारी दी थी और हम लोग मौके की तलाश में थे और आज इन लोग आवेदन देने पहुँचे थे शादी के लिए और हम लोग ने पहुँच के तुरंत दोनों का हम लोग ने विरोध किया। कोर्ट में एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की विवाह के लिए आवेदन दिए थे, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि लड़के ने जो है लड़की को बहला फुसला करके विवाह के लिए राजी किया है और कुछ हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर जो है लड़के को अपने हिरासत में लिए है और लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द किया जा रहा है। तो यहाँ मामला कुछ अलग है, लेकिन अगली जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं ये भोपाल से है, जहाँ लव जिहाद का एक मामला सामने आया। यहाँ एक हिंदू युवती को, हिंदू लड़की को रफीक खान ने रवि यादव बताकर पहले तो अपने प्रेम के जाल में फंसाया और उसके साथ शादी रचने का ढोंग किया। भोपाल के कोलार के गेहूंखेड़ा की युवती रहने वाली है और रफीक खान जिसने अपने प्रेम के जाल में युवती को फंसाया वो होशंगाबाद का रहने वाला है। आरोपी ने पीड़ित